न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। गया शहर के विष्णुपद मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु के चरण चिन्ह का पुष्प से विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर के गर्भगृह में स्थित विष्णु चरण चिन्ह को अलौकिक श्रृंगार किया गया। पुष्प से विशेष तरह से सजाया गया था, जो देखने में काफी सुंदर एवं आकर्षित लग रहा था। मोर पंखुड़ियों से काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया। गया पाल पंडा सुजीत कुमार ने बताया कि विष्णु पद प्रबंध कारिणी के तत्वाधान में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह को श्रृंगार किया जाता है। स्थानीय लोग भी विष्णु भगवान का विशेष श्रृंगार कराते हैं। इस बार निवर्तमान पार्षद चंदू देवी व प्रतिनिधि सुदामा कुमार दुबे उर्फ छोटू के सौजन्य से किया गया था। आस्था के अपने आस्था रख करके भगवान नारायण का पूजा किया। कब से परंपरा चली आ रही है? ये दो साल विगत दो वर्ष कोरोना काल से कोरोना काल से चला रहा है। क्या क्या का श्रृंगार हुआ है? यहाँ अन्न का भी श्रृंगार हुआ है, यहाँ बहुत सा श्रृंगार फूल का भी हुआ है और मूर्ति का भी श्रृंगार हुआ है। गत दो वर्षों से चल रहा है। पहले एकादशी के दिन होता था, उसके बाद पूर्णिमा के पूर्णिमा प्रत्येक पूर्णिमा को होती है, ठीक है। और ये विष्णु पद प्रबंधकारिणी के तत्वावधान में होती है। और जैसे हमारे कुछ यजमान भी हैं गया के, लोकल लोग करवाते हैं, कभी प्रमोद जी ने करवाया, कभी और भी लोगों ने करवाया है। और इस बार हमारे पूर्व वार्ड पार्षद जो थे चंदू देवी जी, उन्होंने इस बार श्रृंगार कराया है। और मैं चाहूँगा कि गया शहर के तमाम लोग आएँ, इस चीज़ में भाग लें। कितना देरी लग तकरीबन दो से तीन घंटे लगते हैं श्रृंगार करने में। आज क्या का श्रृंगार हुआ, किस चीज़ का? आज श्रृंगार पुष्प का हुआ है, कभी मिष्ठान का भी हुआ है, अन्न का हुआ है, रंगोली का हुआ है, गुलाल से हुआ है, चावल से हुआ है, इत्यादि से। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर पुष्प से हुआ है। भगवान विष्णु को पुष्प से प्रिय और कुछ भी नहीं है। और श्रृंगार से प्रिय न होने के कारण मतलब श्रृंगार होते रहती है यहाँ पे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा गया के तमाम नागरिकों से कि जो लोग श्रृंगार के लिए, श्रृंगार से रिलेटेड कोई भी वार्ता करनी हो तो वो विष्णुपद प्रबंधकारिणी हमारे मंदिर के अंदर कार्यालय है, वहीं से करें और रसीद अवश्य प्राप्त करें। अगर आप श्रृंगार को लेकर का दुरुपयोग हो सकती है, रसीद मिलता है? बिल्कुल, विष्णुपद प्रबंधकारिणी रसीद देगी आपको जो भी आप डोनेशन करेंगे। अभी विशेष पूजा भी आयोजन जी, पूर्णिमा को पहले भगवान का पंचोपचार पूजा होता है जो नित्य पूजा होता है, और उसके बाद अपना श्रृंगार का कार्यक्रम। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार गयापाल। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।